चैनल। मेरे चैनल पे आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स मिलेंगे इन द वेरी इजी टर्मिनोलॉजी, और बहुत कम टेक्स्ट होगा इनमें ताकि समझ में आ जाए बेसिक कंसेप्ट, एंड रेस्ट ऑफ इट आई विल एक्सप्लेन इन द लेक्चर्स। तो अभी जो सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है वो है पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स। इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 7th सेम बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एफिलिएटेड टू RTU कोटा, और ये नई स्कीम में अभी ऐड हुआ है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के 14 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, दिस इज़ द 15th वन एंड द लेक्चर कंटेन्स द टॉपिक्स DVR एंड UPQC। ऑल द रिमेनिंग लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फर्स्ट DVR एंड देन UPQC। तो पहले समझ लेते हैं कस्टम पावर डिवाइसेस क्या होते हैं। वो डिवाइसेस जो सिस्टम में वैल्यू एडेड पावर ऐड करते हैं, यानी पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और डिस्टर्बेंसेस, पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंसेस रहते हुए भी पावर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके अच्छा पावर कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो हम उसे कस्टम पावर डिवाइसेस कहते हैं। तो इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्स और ट्रांसमिशन फैक्ट्स, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्स इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो डी फैक्ट्स जो तीन हमें पढ़ने हैं, डी स्टैटकॉम, DVR, UPQC। डी स्टैटकॉम पिछले लेक्चर में डिस्कस हो गया है, और DVR, UPQC विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। एंड इफ वी टॉक ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट डिवाइसेज, दीज आर बेसिकली यूज फॉर हाई और लार्ज पावर कंज्यूमर्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे कस्टमर की साइड पे DVR सीरीज में कनेक्ट होता है, डी स्टैटकॉम लोड साइड पे शंट में यानी पैरेलल में, और UPQC कंबाइंड कन्वर्टर है जिसमें DVR और DStatcom दोनों प्रेजेंट हैं। DVR के दो ऑपरेटिंग मोड्स हो सकते हैं, तो स्टैंड बाय या बूस्ट मोड। स्टैंड बाय शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन या SCO मोड में ये कोई इंजेक्शन नहीं करता है पावर का, कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है सिस्टम में। अगर इसमें बैटरी है तो ये चार्ज कर सकता है उस टाइम पे। बूस्ट मोड में जितना कंपनसेशन चाहिए और DVR की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से एनर्जी इंजेक्ट कर देता है, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कर देता है इनटू द सिस्टम, और इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये पावर जो इंजेक्ट करता है DVR, वो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इंजेक्ट करता है। इट इज डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर बेसिकली। सो इफ वी टॉक ऑफ इट्स स्कीमेटिक एंड द वेरियस कंपोनेंट्स इट कंटेन्स, अगर हम ये एक सिंगल लाइन डायग्राम देखें, सेंडिंग एंड है, ये लोड साइड है और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है। तो बीच में जो हम DVR लगा रहे हैं लोड साइड से, DVR जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा, DVR सीरीज में कनेक्ट होता है डी स्टैटकॉम शंट में, और UPQC में एक DVR होता है एक डी स्टैटकॉम। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं, और इसमें एक VSC यानी वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर होगा, ठीक है, एक फिल्टर होगा, फिल्टर सर्किट, स्विचेस लगेंगे, कंट्रोल सर्किट होगा, और बैटरी होगी और चार्जर होगा उसमें। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, क्योंकि ये 3-phase 3-wire या 3-phase 4-wire के लिए यूज हो सकता है। जो हम वो VSC यूज कर रहे हैं वो 2-level या 3-level का VSC यूज किया जाता है यहाँ पर। बूस्ट इंजेक्शन ट्रांसफार्मर एक होता है इसमें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है बूस्ट इंजेक्शन ट्रांसफार्मर। ये या तो कनेक्शन इसके प्राइमरी सेकेंडरी के या तो स्टार ओपन स्टार होंगे या डेल्टा ओपन स्टार होंगे। अगर स्टार स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम लगाते हैं तो जीरो सीक्वेंस करंट्स फ्लो होंगे, तो उनकी फिल्टरिंग रिक्वायर्ड है, एंड सैचुरेशन नीड्स टू बी प्रिवेंटेड हियर, वरना कंपनसेशन जितना हमें देना है, कभी इंक्रीज्ड देना है कभी डिक्रीज, वो नहीं दे पाएंगे। पैसिव फिल्टर्स जो लगे हुए होते हैं इसमें, पैसिव फिल्टर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड हियर, तो ये लो वोल्टेज साइड पे हम लगाते हैं। लो वोल्टेज साइड पे लगाने का एडवांटेज क्या है कि वोल्टेज कम रहता है, और हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स जो प्रेजेंट होते हैं वो फिल्टर की वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं, पर कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, लो वोल्टेज साइड पे जो वोल्टेज ड्रॉप चाहे कम ही है पर वो सिग्निफिकेंटली मैटर करता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप एक लॉस की तरह यहाँ पर इनकर होता है, और बाकी जो एनर्जी आगे वाले सर्किट्स में फ्लो होनी चाहिए उसको कम कर देता है। And there is a phase shift in the injected voltage also. Fourth component is the energy storage. यहाँ charger लगा हुआ है तो यहाँ battery है, तो जब हम इसका standby mode में operate करते हैं तो ये battery charge करता है, यानी energy को store करता है। So the energy storage can be done in the form of any type of battery, lead acid battery, flywheel,
और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज SMES। अब अगर हम इसकी कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसमें तीन स्ट्रेटेजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं, प्री सैक कंपनसेशन इन फेज एंड मिनिमम एनर्जी कंपनसेशन। ऑल दीज कैटेगरीज कैन बी एम्प्लॉयड वन बाय वन, या फिर हम एज पर द कंडीशन और कैपेसिटी कितनी है DVR की उसके बेसिस पर कोई एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्शंस तीन कंडीशंस में इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं DVR में। कंट्रोल एक्शंस का मतलब है कब हमें ये इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, तो वो कंट्रोल एक्शन हो गया। वो कब लगाएंगे, या तो सप्लाई वोल्टेज जो हमारा है वो नॉर्मल रहेगा अगर तो हम DVR लगा रहे हैं तो स्टैंड बाय मोड में ऑपरेट करेगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल है, वोल्टेज को रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर है तो ये वोल्टेज को रिस्टोर करता है, तो स्टैंड बाय मोड में ऑपरेट करेगा, वोल्टेज इंजेक्शन जीरो होगा पर इस टाइम ये चार्ज करेगा अपनी बैटरी। वोल्टेज सैग या स्वेल होता है तब DVR को हम जो कंट्रोलर हम लगा रहे हैं DVR का उसमें हमें DVR से आउटपुट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन ऑफ थ्री फेज सिंगल वोल्टेजेस, थ्री सिंगल फेज वोल्टेजेस इन सिंक्रोनिज्म विद सप्लाई वोल्टेज के सिंक्रोनिज्म में, और बहुत कम टाइम में चाहिए, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए फैक्ट्स डिवाइसेस का, तभी वो ट्रांजिएंट्स में भी कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर फॉल्ट इनकर हो रही, सपोज देर इज अ फॉल्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ DVR, डाउन स्ट्रीम मतलब एक तो अपर सर्किट होता है हाई वोल्टेज सर्किट उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम DVR से नीचे की तरफ जो भी स्टेप डाउन होते हुए जो भी सर्किट लगा हुआ है यानी लोड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर फॉल्ट डाउन स्ट्रीम में हो रही है यानी लोड में हो रही है तो कन्वर्टर को हमें बाईपास करना पड़ेगा टेम्पररीली थायरिस्टर स्विचेस से, जो स्विचेस लगे हुए थे कन्वर्टर में यहाँ पर ये सारे स्विचेस, तो इन स्विचेस से हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्टर डैमेज ना हो जाए ओवर करंट्स की वजह से, क्योंकि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगे हुए हैं। तो रेटिंग के हिसाब से अगर फॉल्ट अगर ज़्यादा है और फॉल्ट करंट बहुत हाई है, वी हैव टू बाईपास दिस DVR। सो दीज आर द थ्री कंट्रोल एक्शंस यू हैव टू डू। एंड व्हाइल कंपनसेशन इन दिस पॉइंट बी, अगर कंपनसेशन प्रोवाइड कराना यू हैव टू यूज वन ऑफ द थ्री स्ट्रेटजीज लिस्टेड हियर। तो एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन DVR के क्या होते हैं, ये सेंसिटिव लोड्स के लिए काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, और 35% अगर थ्री फेज वोल्टेज सैग 35% तक है तब ये कंपनसेट कर सकता है उसे थ्री फेज में, और अगर सिंगल फेज में वोल्टेज सैग 50% तक है तो भी ये इसे कंपनसेट कर सकता है फॉर 200 मिलीसेकंड्स, इतने टाइम ड्यूरेशन तक। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमें कंपनसेशन चाहिए सपोज 500 मिलीसेकंड तक, तो अगर वोल्टेज सैग्स कम है 35% नहीं बहुत कम है तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी कंपनसेट कर सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द थ्री कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी है प्री सैग कंपनसेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोड वोल्टेज है ये कंपनसेट करता है वोल्टेज को रिस्टोर करता है, जो हमारा लोड वोल्टेज है उसको प्री सैग सैग से पहले जो वोल्टेज था उस तक ले आता है, इसे हम प्री सैग कंपनसेशन कहते हैं। तो इस फेजर डायग्राम में ये VS, ये जो तुम्हारा सोर्स वोल्टेज है इतना है सोर्स वोल्टेज, हम नियर बाय डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नियर बाय GSS की बात कर रहे हैं, वो सोर्स है, अब हम जनरेटर तक नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब ये जो VS है ये सोर्स वोल्टेज है, तो सैग से पहले हम ये मान के चल रहे हैं VS will be equal to VL लोड वोल्टेज, और ये हम मान लेते हैं वी नॉट एक वैल्यू के बराबर। तो अगर VS1 एक सैग होने के बाद वोल्टेज तुम्हारा VS1 सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज हो गया VS1, तो तुम्हें कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करना है, इतना VC1, ताकि ये वापस से रिस्टोर हो जाए एडअप होकर फेजर मुझे VS का यही मिल जाए, तो इसे हम प्री सैग कंपनसेशन कहते हैं। इन फेज कंपनसेशन मतलब ये VS1 जो आ रहा है पहले जो प्री सैग सैग से पहले जो VS था उसके फेज में ही एक वोल्टेज ये इंजेक्ट करेगा, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो इस तरीके का मिलेगा। लेकिन इसमें अब तुम्हें दिख रहा है कि जो VL हमें यहाँ मिल रहा था पहले लोड वोल्टेज वो अब इस तरीके से मिल रहा है, तो ये जो एंगल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ना।
तो फेज एंगल डिस्टर्ब हो जाता है लोड वोल्टेज का। तो ये सिर्फ उन्हीं लोड्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि फेज जंप्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। तीसरा है मिनिमम एनर्जी कंपनसेशन। इसमें ये देखा जाता है, समझने के लिए ये देखा जाता है कि अगर अवेलेबल कंपनसेटर कैपेसिटी कितनी है, तो इसका मतलब ये कैसे देखेंगे, इसका मतलब कि वीसी कंपनसेशन वोल्टेज कितना इंजेक्ट होगा और उसकी लिमिट्स क्या होंगी, पहली चीज। और दूसरा ये देखा जाता है कि मिनिमम कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, सोर्स वोल्टेज जो कि मुझे कंपनसेट करना है ताकि मैं उसे एक अच्छी प्रोफाइल पे ले आऊं, चाहे प्री सैक कंपनसेशन चाहे इन फेज कंपनसेशन, कुछ भी करके। तो हमें ये देखना होता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है जो कि हमें देनी है ताकि वोल्टेज की प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जा सके। चाहे तुम इन फेज इंजेक्ट करो बाय यूजिंग दिस वेक्टर VC3, इन फेज इस तरीके से इंजेक्ट करो, चाहे तुम क्वाड्रेचर में कोई कंपोनेंट इंजेक्ट करो विद VS1, तो क्वाड्रेचर में VC2 इंजेक्ट होगा, क्वाड्रेचर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर वीसी यानी जो तुम्हारा DVR है, वीसी इंजेक्ट कौन कर रहा है, DVR, तो अगर वीसी कंस्ट्रेंड नहीं है, मतलब आउटपुट DVR का अनलिमिटेड है, कितना भी वो दे सकता है, यानी जितना भी सैग आए या जितना भी स्वेल आए ये उतना पावर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इंजेक्ट कर सकता है, तो हम इसे अनलिमिटेड पावर कंडीशन कहेंगे, दैट द कैपेसिटी ऑफ DVR इज अनलिमिटेड। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होगी जब लिमिटेड कैपेसिटी है, वीसी मैक्स इसकी लिमिटेड कैपेसिटी, इससे ज्यादा इंजेक्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर वी नॉट इतना था पहले और VS अब इतना है, तो मुझे वी नॉट VS अब इतना है ना, तो मुझे VC इतना इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये प्रीसेट वोल्टेज तक पहुंच जाए। लेकिन अब अगर कंडीशन आ रही है कि भाई इसका वोल्टेज लिमिटेड है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, सपोज VC मैक्स इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इट कैन इंजेक्ट इन टू द पावर सिस्टम। सो VC मैक्स अगर ये इंजेक्ट कर सकता है, यानी अगर सिस्टम में वी नॉट ये है और VS मिनिमम, मिनिमम VS ये जो पावर लाइन का जो मुझे चाहिए इन अकॉर्डेंस टू दिस VC मैक्स इतना है, तो VC मैक्स के अकॉर्डेंस में मुझे VS मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन जो चाहिए वो इतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब सिस्टम में सैग VS मिनिमम से भी ज़्यादा हो गया है, यानी सिस्टम का वोल्टेज VS मिनिमम से भी कम हो गया है, तो ये कंपनसेट पूरा नहीं कर पाएगा, वी नॉट तक नहीं पहुंचा पाएगा, इससे कुछ कम कंपनसेशन होगा। अच्छा, अब इन दोनों कंडीशंस में ही ये जो VS मिनिमम है, इट विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस फाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड इफ वी कैलकुलेट इन दिस कंडीशन इट विल बी वी नॉट माइनस VC मैक्स एज अ फेजर, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2V0 VC मैक्स साइन फाई प्लस VC मैक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना। तो अब अगर DVR का ओपन लूप कंट्रोलर समझें, तो इसमें तीन सोर्स वोल्टेजेस जो होते हैं उनको ABC से अल्फा बीटा डोमेन क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, फिर हम DQ0 डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। अल्फा बीटा से DQ0 डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई प्रोवाइडेड वन स्लाइड एंड वन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टू यू इन द प्रीवियस लेक्चर, DStratCom में हमने पढ़ा था। एक PLL लगाया जाता है जिससे हम थीटा एक सिग्नल लेते हैं, इसमें थीटा सिग्नल देते हैं, रेफरेंस वोल्टेजेस वोल्टेज सिग्नल्स निकालते हैं DQ डोमेन फ्रॉम दीज सिग्नल्स एंड दिस थीटा इज आल्सो फैट हियर। फिर इसके बाद इस DQ डोमेन से, DQ0 डोमेन से सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम थ्योरी थी SRF, इससे हम अल्फा बीटा डोमेन में कन्वर्ट करते हैं वापस से इनवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से, और इनवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से ABC में कन्वर्ट करके हमें कंपनसेटर के ABC कितने वोल्टेज सिग्नल्स चाहिए वो निकालते हैं गेट सिग्नल्स के लिए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर है, दिस इज एन ओपन लूप कंट्रोलर, यू कैन मेक इट अ क्लोज लूप कंट्रोलर आल्सो। तो DVR को हम सीरीज एक्टिव फिल्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर है, दे एक्ट लाइक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, तो इसको हम सीरीज एक्टिव फिल्टर की तरह इस काम में ले सकते हैं, और इसकी जो एनर्जी है कैपेसिटर की बैटरी की वो यूज की जा सकती है, एक्टिव फिल्टर मतलब जो एनर्जी देता है सिस्टम में और कुछ चीजों को एलिमिनेट करता है, कुछ हार्मफुल सिग्नल्स को हटाता है।
तो सीरीज एक्टिव फिल्टर का क्या काम है, डीवीआर में जो यूज होता है, एसपीक्यूसी भी कहते हैं इसे, सीरीज पावर क्वालिटी कंडीशनर, एसपीक्यूसी। ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करेगा, सोर्स और लोड में हार्मोनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, या फिर ये कंपनसेट करेगा सोर्स के हार्मोनिक करंट्स को और वोल्टेज अनबैलेंसेस को। ठीक है, तो तीन कंट्रोल मेथड्स हो सकते हैं इसके, वोल्टेज करंट डिटेक्शन मेथड, जिसमें करंट के प्रोपोर्शनल एक सिग्नल हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ दिस वोल्टेज सिग्नल, और वोल्टेज डिटेक्शन मेथड वीसीएच जो कंपनसेटर का वोल्टेज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शंट वोल्टेज। कंबाइंड मेथड में वोल्टेज और करंट दोनों के प्रोपोर्शनल एक सिग्नल देता है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें डिस्कस करने की, वो कुछ ये है कि अगर सोर्स करंट्स बैलेंस्ड हैं और साइनोसॉइडल हैं, तो ये कंपनसेट एक्टिव पावर को नहीं करेगा। डीसी कैपेसिटर फाइनाइट होता है, हमेशा इनफाइनाइट हम अजम्पशन लेते हैं, तो प्रैक्टिकली फाइनाइट होता है, यानी वोल्टेज रिपल आएंगे। कंपनसेशन लो फ्रीक्वेंसी फ्लिकर का तुम करोगे तो एक एनर्जी सोर्स चाहिए इसमें, यानी बैटरी या कैपेसिटर हम करते हैं इसमें कंपनसेशन। इसको इससे कंपनसेशन करोगे हार्मोनिक वोल्टेजेस का, अनबैलेंस का, फ्लिकर का, ये सारे कंपनसेशन एक डीवीआर से हम कर सकते हैं, डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर से। इसका जो सर्किट है, जो हम कंट्रोल मेथड्स, जिसमें सीरीज एक्टिव फिल्टर के लिए जो कंट्रोल मेथड्स लगाएंगे, वो ये सर्किट यूज होगा। तो अब वन बाय वन ये तीन स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं हम, एज अ सीरीज एक्टिव फिल्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं ये। तो डीवीआर की फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी करंट डिटेक्शन मेथड, ये पूरा जो सर्किट था इसमें ये जो आईएसएच है, आईएसएच है ना, इसके प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज इंजेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये वीएसएच वीसीएच जो है, यानी कंपनसेटर का जो वोल्टेज है, वो इसके प्रोपोर्शनल इंजेक्ट होगा। तो यानी यहाँ पर ये के की फॉर्म में, के एक प्रोपोर्शनलिटी सिग्नल है, एक कॉन्स्टेंट है, तो इसके प्रोपोर्शनल इंजेक्ट होगा अमाउंट ऑफ करंट। तो ये इंजेक्ट होने के बाद ये सर्किट जो मॉडिफाई हुआ वो इस तरीके का बन गया। यहाँ पर ये वीटीएच जेडटीएच सिस्टम की थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इंपेडेंस है, वीसीएच कंपनसेटर का वोल्टेज है, ये शंट वोल्टेज है, ये लोड साइड है, तो लोड साइड पे जो वोल्टेज है हार्मोनिक्स का वो वीएलएच है, लोड साइड पे जो हार्मोनिक्स है उनको हमने इंपेडेंस से शो किया है बाय मीन्स ऑफ जेडएफएच, और जो हार्मोनिक्स करंट में है उनको हम आईएलएच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस पूरे ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट से अब सिंपल अगर हम लूप थ्योरी और केसीएल लगाएं तो हमें वीएलएच और आईएसएच की इक्वेशंस मिल जाएंगी। इसमें बस ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि वीएलएच और आईएसएच दोनों ही मिनिमाइज हो जाएंगे अगर के की वैल्यू जेडटीएच प्लस जेडएफएच के मैग्नीट्यूड से काफी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसीज अगर कम है, बहुत कम है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स की, सिस्टम की नहीं, हार्मोनिक्स की, क्योंकि हम इसे फिल्टर की तरह यूज कर रहे हैं, तो अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, और इसलिए इसका फिल्टर बहुत हाई कैपेसिटी, ये क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये फिल्टर बहुत हाई कैपेसिटिव इम्पीडेंस देता है, तो ये इम्पीडेंस इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ये के जो है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं हो पाता इस इम्पीडेंस से, क्योंकि ये जो के है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये पूरा इम्पीडेंसेस पे ही डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, सोर्स करंट जो होगा इसमें वो हार्मोनिक करंट से अफेक्ट नहीं होगा, तो वो फिल्टर की तरफ नहीं आ रहा है, हम उसे फिल्टर नहीं कर रहे। लोड बस का जो वोल्टेज है, लोड बस का वोल्टेज है, ये हार्मोनिक वोल्टेज है वीएलएच, है ना, लोड्स में जो, लोड में जो हार्मोनिक्स है उसका वोल्टेज है, लोड बस का जो वोल्टेज है वो अफेक्ट होता है लो फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स से, तो उसको हम कैसे कैसे दिखाई देता है हमें, वो फ्लिकर की फॉर्म में, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द डीवीआर। And if we study the next control strategy voltage detection method of DVR when it is used as a series active filters SAF, तो क्या होगा, हम voltage के proportional, ये VSH के proportional, यहाँ पर ये VCH को कर रहे हैं, तो ये दोनों equal and opposite हो गए, minus sign है ना, तो ये cancel out हो जाएंगे, तो circuit में ये सब हट गया, सिर्फ इतना बच गया, source zero हो गया, VLH zero हो जाएगा, ISH will be equal to ILH, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा बच गया। अब इसमें load voltage, हमेशा लोड वोल्टेज साइनोसॉइडल रहता है, बट द सोर्स करंट हार्मोनिक्स आर नॉट रिड्यूस्ड, इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं करंट में वो रिड्यूस नहीं होते, और पैसिव फिल्टर जो लगाया हुआ होता है वो करंट हार्मोनिक्स, लोड करंट हार्मोनिक्स को रिड्यूस नहीं कर पाता,
ये जो स्ट्रेटेजी है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसमें सिर्फ वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है। अब फर्स्ट स्ट्रेटेजी में करंट हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो रहे हैं, सेकंड स्ट्रेटेजी में वोल्टेज थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है पर करंट हार्मोनिक्स एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। अब कंबाइंड मेथड में दोनों के डिसएडवांटेजेस खत्म हो जाते हैं। सोर्स वोल्टेज डिस्टरबेंसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता लोड बस वोल्टेज पे, और दूसरा सोर्स करंट से जो पूरे हार्मोनिक्स लोड करंट में आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ILH ये एलिमिनेट हो जाते हैं व्हेन K इज ग्रेटर देन ZFH। बस ZFH से ज्यादा होना चाहिए जो कि होता है, और ये सिस्टम अरेंज करना पॉसिबल है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर फिल्टरिंग ऑल द हार्मोनिक्स विद हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 5f0। ये था पूरा DBR। अब हम बात करेंगे UPQC की। UPQC का मतलब है एक डी स्टेटकॉम और एक DBR, यानी एक शंट कन्वर्टर है और एक सीरीज कन्वर्टर है। ये सीरीज है, ये शंट कन्वर्टर, दोनों यूनिफाइड ऑपरेशन है, यानी एक साथ कनेक्टेड है, यानी इनका गेट कंट्रोल सर्किट एक साथ होगा और इनकी बैटरी बैकअप भी हम कॉमन रख सकते हैं। तो डीसी बस वोल्टेज जो है, डीसी बस का जो वोल्टेज है वो डी स्टेटकॉम रेगुलेट करता है, और DVR वोल्टेज को रिस्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसेस और इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स और अनबैलेंसेस और फ्लिकर। तो अब UPQC के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, हम डी स्टेटकॉम और DVR की बात करें तो डी स्टेटकॉम बैलेंस करता है सोर्स करंट्स को नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस लोड कंपोनेंट इंजेक्ट करके, और DVR क्या करता है वोल्टेजेस को बैलेंस करता है लोड बस पे सेम प्रोसेस से। डी स्टेटकॉम कंपनसेट करता है लोड करंट हार्मोनिक्स को और ये लोड के हार्मोनिक्स को आइसोलेट कर देता है DVR हार्मोनिक वोल्टेज इंजेक्ट करके। डी स्टेटकॉम पावर फैक्टर लोड का कंट्रोल करता है और DVR लोड बस पावर फैक्टर सोर्स का कंट्रोल करता है। डी स्टेटकॉम डीसी बस का वोल्टेज रेगुलेट करता है और DVR लोड बस का वोल्टेज रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर रखना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी डू व्हिच वी आर एम्प्लॉइंग दीज डी स्टेटकॉम एंड DVR फॉर। एंड नाउ इफ वी सी द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, तो इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे शो कर सकते हैं जहाँ पर VC इज द कंपनसेशन वोल्टेज व्हिच इज प्रोवाइडेड एंड IC इज द करंट जो कि कंपनसेटर से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें दो कंपनसेटर्स यूज कर रहे हैं, एक शंट एक सीरीज। तो इसमें जो लोड करंट है उसके दो कंपोनेंट होंगे, द करंट पर्टेनिंग टू द एक्टिव पावर इन द सिस्टम इज IL1P एंड द करंट पर्टेनिंग टू द रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम इज ILR IL सुपरस्क्रिप्ट R। इसी तरीके से वोल्टेज को भी PR फ्रेम में डिफाइन कर सकते हो, दिस इज नोन एज PR फ्रेम, हमने डी स्टेटकॉम में पढ़ा था। तो अब अगर हमें पावर डिफाइन करना है, इट विल बी VL कॉन्जुगेट IS कॉन्जुगेट cos φL। φL पावर फैक्टर है जो लोड बस पे है और φS पावर एंगल है सोर्स बस पे। सोर्स और लोड मैं बता चुकी हूँ, सोर्स नियरेस्ट GSS होगा, जनरेटर की तरफ नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाउ। UPQC वर्क्स और इज अप्लाइड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लोड, सो दिस कैन बी इक्वल टू VS1P IS कॉन्जुगेट cos φS। तो अब इसमें IC कॉन्जुगेट IL कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, कंडीशन हमें चाहिए, और VC कॉन्जुगेट जो हमें पावर इन द टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज फ्रॉम दीज टू कंपनसेटर्स, UPQC में दो कंपनसेटर्स हैं उन दोनों से चाहिए। तो करंट जो होना चाहिए कंपनसेटिंग करंट वो IL के बराबर होना चाहिए, और VC जो है वो माइनस VSR प्लस VC1P के बराबर होना चाहिए। तो VC टोटल क्या हो जाएगा, जितना मिल रहा है प्लस डेल VC, जितना भी चेंज हमें चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, कितना वोल्टेज और इंजेक्ट करना है, कोई भी चेंज हो गई कंडीशन, ट्रांजिएंट्स बढ़ गए घट गए, वोल्टेज सैग हो गया स्वेल हो गया, इन अकॉर्डेंस टू दैट। इसी तरीके से IC में भी एक कंपोनेंट डेल IC आ जाएगा कि कितना टाइम पे कितना ये डिफरेंस आ रहा है, तो वो चाहिए मुझे। ठीक है, IS विल बी IS कॉन्जुगेट माइनस, मतलब IS जो हमें सोर्स से चाहिए करंट वो कितना चाहिए, डेल IC जितना इंजेक्ट हुआ है उतना कम हो जाएगा, यानी सोर्स से कम ड्रॉ होगा पावर। अब इसी तरीके से VL विल बी VS1P प्लस VC1P प्लस डेल VC, तो ये लोड तक जाएगा पूरा। यहाँ पर IC है रेफरेंस करंट ऑफ शंट कन्वर्टर एंड VC है रेफरेंस वोल्टेज ऑफ सीरीज कन्वर्टर। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखें VC प्लस डेल VC प्लस VL विल शुड बी इक्वल टू VL, ये हमारी वर्किंग है इस पर्टिकुलर कन्वर्टर की, ये कॉन्स्टेंट होनी चाहिए।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है वोल्टेज रेगुलेशन जो लोड बस पे है, इट मे रिक्वायर द एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन द शंट एंड सीरीज कन्वर्टर, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज जरूरी हो सकता है। इतना ही था यूपीक्यूसी का और डीवीआर का। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अब इस लेक्चर के बाद मैंने कंप्लीट कर दिया है सिलेबस एंड इट इज कंप्लीटेड इन विद इन 15 लेक्चर्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो डीवीआर के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, यूपीक्यूसी के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें डीवीआर और डी स्टैटकॉम को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल बता रखा है वो सब बता दोगे। कंट्रोल स्ट्रेटजीज अगर डीवीआर की पूछी जाती हैं तो पहले जो तीन कंट्रोल स्ट्रेटजीज बताई थी वो बताओगे, और कंट्रोल स्कीम फॉर द डीवीआर व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ सीरीज एक्टिव फिल्टर ये नहीं बताओगे। सीरीज एक्टिव फिल्टर जब पूछा जाए तभी उसकी तीन कंट्रोल स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे। फिर डीवीआर के क्या क्या पर्पजेज हैं, क्या एप्लीकेशन हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं किस किस में काम आता है, तो वो सारे, और डी स्टैटकॉम कहाँ काम आता है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया। तो अगर यूपीक्यूसी की एप्लीकेशन बताओगे तो उन दोनों की एप्लीकेशन जो है वो ही यूपीक्यूसी की एप्लीकेशन होंगी, बस ये दोनों की एप्लीकेशन को मिला के काम करेगा, ठीक है। अब लेंथी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं डी स्टैटकॉम डीवीआर में, कि इनके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, कंट्रोल स्कीम्स के नाम बताओ, डिस्कस एनी वन कंट्रोल स्कीम और डिस्कस एनी टू कंट्रोल स्कीम्स, या फिर सीरीज एक्टिव फिल्टर की तरह कैसे यूज होता है, डिस्कस वन कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर डीवीआर फॉर यूजिंग इट एज अ SAF और SPQC, इसके नाम मैंने पहले डिस्कस कर दिए थे क्या होते हैं ये, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आ सकता है भाई ऑपरेटिंग, इसका ऑपरेशन बताओ एंड डिस्कस द थ्री कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। इसी तरह यूपीक्यूसी का भी बहुत लेंथी क्वेश्चन आ सकता है। स्कीमेटिक भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको बूस्ट मोड में व्हाट डू वी इंजेक्ट एंड हाउ डू वी कंपनसेट द पावर एटसेट्रा, तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट PQF एंड आफ्टर दिस लेक्चर ऑल द लेक्चर नोट्स ऑफ PQF आर बींग अपलोडेड ऑन माई चैनल। नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी अनाउंस्ड सून एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द सब्जेक्ट यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।